मेरा नाम दिनेश सूद है, मैं सफाई मजदूर संघ के होने वाले चुनाव में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूं और मैं अपने सभी सफाई कर्मचारी भाइयों से बहनों से अपील करता हूं कि कल 30 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, आप लोग सब भारी से भारी संख्या में आकर के वोट करें और हमारा चुनाव चिन्ह शेर है, शेर के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर हमें सफल बनाएं। हमारा जो घोषणा पत्र है वह हम सबसे पहले आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग को खत्म करेंगे, चाहे उसके लिए हमें लखनऊ तक जाना पड़े। दूसरा हमारा है 5 लाख रुपए का सभी सफाई कर्मचारियों को नगर निगम के खर्चे पर बीमा कराएंगे और एक पैनल का अस्पताल नियुक्त कराएंगे, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारियों को बीमार होने पर उन्हें पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती, उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं होने दिया जाता, तो हम एक फ्री अस्पताल की सुविधा कराएंगे। दूसरा है हमारा कि हम हाजिरी स्थल बनवाएंगे, हमारे सफाई कर्मचारी बाहर बैठते हैं धूप में, तो हम हाजिरी स्थल बनवाएंगे, पानी पीने की व्यवस्था करवाएंगे, शौचालय व्यवस्था करवाएंगे हाजिरी स्थल में। और हमारा तीसरा मुद्दा है कि हम लोग सफाई कर्मचारियों को यह कि हम अपने सफाई कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन दिलाएंगे और वेतन के साथ साथ हम प्रथम सप्ताह में, माह के प्रथम सप्ताह में वेतन दिलाएंगे, क्योंकि हमारे क्या है सफाई कर्मचारियों को कभी 20 तारीख हो जाती कभी 22 तारीख हो जाती, वो हम आपसे वादा करते हैं कि हम माह के प्रथम सप्ताह में वेतन दिलाएंगे और हमारा सफाई कर्मचारियों के लिए हाजिरी स्थल बनवाएंगे। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को कोई वर्दी नहीं मिलती, औजार नहीं मिलता, सुरक्षा उपकरण नहीं मिलता, वो सब हम दिलाने का काम करेंगे, गमबूट दिलाएंगे। और हम लोग सफाई कर्मचारियों को मृतक आश्रित, सफाई कर्मचारी के मृतक आश्रितों को नियुक्ति उसके शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्त कराएंगे और उनका एक माह के अंदर भुगतान कराएंगे।